पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास कोई भी करंट फोन है, मैं अभी 12 प्रो मैक्स से बना रहा हूं, पर मेरे बहुत सारे व्लॉग 10R से भी बने हैं और आईफोन 7 से भी बने हैं, तो मैं कभी भी कोई एक्सक्यूज नहीं बनाता। मेरे पास जो डिवाइस होता है मैं वो लेकर शुरू हो जाता हूं। अब जो आप देखने वाले हो वो होने वाला है अल्फा 7C से रिकॉर्ड। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। दुनिया बदल गई है गाइस एंड वी आर शूटिंग विद सोनी अल्फा 7C नाउ। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो कैसा लगा मेरा सिनेमैटिक शॉट? ओ गिर जाता अभी, रुक कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओए होए होए क्या बोके आ रहा है भाई साहब। वन ऑफ द रीजन मैंने कैमरा क्यों लिया, आप देख सकते होगे यहाँ पर और नीचे आपको लग रहा होगा कि इवन लाइटिंग है, पर मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ यहाँ पर तो बहुत ज्यादा लाइट है, बहुत ज्यादा अच्छे से लाइट आ रही है यहाँ पे, पर नीचे बिल्कुल अंधेरा है। मतलब मैं आंखों से बेयरली कुछ देख पा रहा हूँ, बिल्कुल अंधेरा है, पर ये यहाँ पर ISO जो है ये ऑटोमेटिकली फ्लक्चुएट हो रहा है आपको मस्त एक्सपोजर देने के लिए, बिल्कुल कि चाहे आपको कुछ ना दिखे पर आपके कैमरा को सब कुछ दिखे। So do we have a new camera? Yes, we do. हमारे पास आ चुका है सोनी अल्फा 7C। सिंपल रीजन बीइंग मैंने ये कैमरा क्यों लिया था, क्योंकि इसके अंदर आप देख ही पा रहे होंगे इतने सारे फोकस पॉइंट्स हैं, मैं कहीं भी चला जाऊं कहीं भी, ये देखो यहाँ खड़ा हूं मैं, फोकस हो गया, अब मैं पास आ जाऊंगा, फोकस हो गया, यस यही तो चाहिए लाइफ में भाई। जरा जूम देखो भाई का, ये देखो जूम इन जूम आउट, पर फोकस कभी नहीं बिगड़ेगा। तो अभी आपने मुझे देखा होगा कि मैं यहाँ पर निक्कर में बैठा हुआ हूँ शर्ट के नीचे। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि मैं जहाँ से ये डिलीवरी लेकर आया हूँ ये कैमरा पूरे इंडिया में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं था, और मुझे जहाँ से मिला है वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ नहीं गया था मैं, पर चंडीगढ़ में मेरे एक फ्रेंड गया हुआ था एंड उनका जानकार था कोई सिनेमाटोग्राफर जिनकी शॉप थी, और वहां से मिल बुला के वो आज दिल्ली आया था। इस कैमरा के अंदर 692 फोकस पॉइंट्स हैं एंड ये एक फुल फ्रेम कैमरा है। एक मिनट, ये तो बहुत ही ज्यादा बंगा हो गया भाई, इतना ज्यादा क्लियर कैमरा है कि अभी मेरे सारे दाने भी दिखाएगा। ये लाल लाल चीजें जो दिख रही है मेरे फेस पे ये भी दिखेंगी, पर चलो कोई बात नहीं। ये फ्रांस की कोई चॉकलेट है, ये मुझे लाकर दिखाई उसने, पॉल डिपू डिपोई डिपुईस, पता नहीं क्या लिखा है इस पे, आप पढ़ के देखो, प्रोनाउंस कर रहा था मैं, प्रोनाउंसिएशन भी भूल गया। इस कैमरा का एडिशनल फीचर है कि मैं आपसे बात करते करते एकदम से प्रोडक्ट सामने ले आऊं तो ये प्रोडक्ट पे फोकस कर लेगा और फिर मुझ पे फोकस कर लेगा। लीविंग असाइड दैट थिंग, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पड़ा है मेरा सीरियल और मेरा दूध नहीं है, मतलब समझ जाओ जो भी है। इसे खाकर मैं अभी सो जाऊंगा, आपको मिलूंगा सुबह, सारी डिटेल्स बताऊंगा, ये कैमरा क्यों खरीदा मैंने, 6600 क्यों नहीं लिया, 7.3 क्यों नहीं लिया, 7C ही क्यों लिया, कौन सा लेंस लगा रखा है, बजट फ्रेंडली तो नहीं है पर ठीक है, अभी मैं जाता हूँ सोने के लिए, आपको सुबह मिलूंगा, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। यूट्यूब की गेम अब अप होने वाली है, क्योंकि अब हम यूट्यूबर बनने वाले हैं ना भाई, 50,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो यार बाय गाइस। और आप बोके देख रहे हो भाई, मेरी फट रही है देख के भाई, क्या मस्त चीज है यार, ये बावला ही हो रही है बिल्कुल यार, मैं जाट क्यों बन गया एकदम से, मेरे को समझ नहीं आ रहा, पर मैं बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूँ बाबा। ये ना इसके अंदर वो वाली आवाज आती है, हैंडीकैम नहीं था आपके पास सोनी का, टिटरिंग टिटरिंग ऐसे ऑफ होने वाली, और अपने आपको जरा देखो, अपना फोकस देखो, पूरा सब कुछ ब्लर है आप, आपके अलावा ये देखो तो बाकी सब ब्लर है। मफू कुछु कुछु, हाँ जी, हाय कांग्रेचुलेशंस, ये देखो अपने आपको, वाओ बिल्कुल आप ही दिख रहे हो, बाकी सब ब्लर है, ये देखो। हाँ जी हाँ जी, ये क्या है, मेमोरी कितनी है? मेमोरी तो कार्ड लगते ना इसमें, अभी तो 64 GB का ही कार्ड है, फिर बड़ा वाला ले। मफी हमारी बेचारी पोजेसिव हो गई, बुरा मान गई है कि मैं सबको अटेंशन दिए जा रहा हूँ, उसको नहीं दे रहा अभी, किसी से बात नहीं कर रही। मफो मैं तो ऐसे ही प्यार करता हूँ, सिर्फ मैं तेरे से प्यार करता हूँ, प्लीज सुन मेरी बात। गाइस तो अब मैं आपको बताता हूँ, कैमरा सिंपली इसलिए लिया है, मैंने 6600 इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपने देखा लो लाइट, मैंने आपको इतने सारे शॉट्स दिखा दिए, लो लाइट में बाप है ये, A6600 लो लाइट में थोड़ा ग्रेनी हो जाता है एंड आई डोंट लाइक ग्रेनी स्टफ। मैं पता है क्यों खुश हुई हूँ, क्योंकि DSLR तो है ही अच्छा, बट मैं बिगिनर हूँ ना, फिर प्रोफेशनल कौन है, बिगिनर मैं हूँ, सीखना कितना इजी है। ओ भाई मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं कुछ फोकस भी नहीं कर रही हूँ। ये नव्या ने मुझे जो हमने ये कैमरा लेना था ना, तो हमने इतने सारे कैमरास की रिसर्च करी थी, और ये मैं आपको चैट दिखाता हूँ भाई, ये रिसर्च एनालिसिस हो रहे थे, पूरा नव्या ने असाइनमेंट भेजा था, तो ये रिसर्च एनालिसिस हो रहे थे, वीडियोज के लिंक्स, रिसर्चेज, उसके बाद ये देखो आप वीडियोज कि किसमें क्या फर्क है, किसमें क्या नहीं, स्टेबिलाईजेशन का फोकस, आर्टिकल्स, तो
सिंपल रीजन ये कह रहा हूँ आपको बता रहा हूँ कि कभी भी कोई भी चीज़ें कांच देने जा लेता है ना तो पूरी रिसर्च के साथ लेता है. तो इस कैमरा के अंदर जो मेन बेनिफिट आपको मिलेगा वो ये है कि वीडियो बहुत ही ज्यादा फाड़ बन रही है. और क्या चाहिए यार लाइफ में, तुम बैकग्राउंड ब्लर देखो यार. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आज नहाऊंगा ही नहीं भाई, इतना एक्साइटेड हूँ मैं. मैं सबको ही कैमरा दिखा रहा हूँ. मम्मी पापा का तो रिएक्शन आपने देख लिया. मेरे पापा बॉर्न ब्लॉगर थे भाई, जब ये यूट्यूब वीडियो का जमाना नहीं भी था ना तब वो वाला ऐसे हैंडी कैम आता था ऐसे पकड़ के, इसमें वीडियो बनाते थे. कैम कॉर्डर कहते थे उसे. तो सोनी का पापा के पास वो था. हम जिस भी ट्रिप पे जाते थे तो पापा वहां पे जाके ऐसे वीडियोस बनाया करते थे. फिर उसके बाद हम घर आते थे, हम टीवी पे लगा के उसको वो ग्रीन येलो और रेड वाली, ग्रीन येलो रेड वाली जो तारे होती है वो टीवी में लगा के. ओ भाई गाड़ी मार दी. वो ग्रीन येलो और रेड वाली जो तारे होती है ना वो टीवी में लगा के फिर हम देखा करते थे पूरे ट्रिप का व्लॉग जो पापा ने बनाया होता था कि वीडियो बनाएंगे और देखेंगे क्या क्या किया था क्या नहीं किया था. टुडे आई ऑल्सो हैव अ कैमरा. अरे आंटी चुप नहीं होती यार. और पापा बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि बेटा मैंने अपने पैसों से कैमरा लिया यार. पापा कह रहे बेटा बढ़िया है यार तूने भी कैमरा ले लिया, क्योंकि पापा भी ऐसे बहुत शौकीन हुआ करते थे ना. पापा ने भी अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे कैमरा में जस्ट फॉर लग्जरी. मेरा तो चलो काम है पर पापा ने तो ऐसे लग्जरी इन्वेस्ट किया था. तो पापा को बड़ा कूल लग रहा था जब मैं ऐसे अंधेरे में जाके पापा को दिखा रहा था कि भाई ये देखो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है फ्लैश की और ये अपने आप ही आईएसओ फ्लक्चुएट कर रहा था. पापा वॉज गेटिंग वेरी फैसिनेटेड. मेरा मतलब पापा का रिएक्शन सबसे बेस्ट लगा मेरे को, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को कि भाई पापा ने ऐसे वैलिडेट कर दिया. अगर पापा बोलते थे ना कि इसमें क्या फर्क है वो तो मेरा मूड खराब हो जाता. So, हम आ चुके हैं निक्की के घर और निक्की इतनी एक्साइटेड थी कि वो यहीं पर वेट कर रही है. हेलो निक्की कपूर. अब मैं तेरा रिएक्शन टेस्ट करने वाला हूँ यहाँ पे. जस्ट लुक एट योर सेल्फ नाउ. आई एम गोना फ्लिप द स्क्रीन. इधर आजा इधर आजा इधर आजा इधर आजा इधर आजा इधर आजा और पास आ. लुक एट योर सेल्फ. ओ भाई कितनी सुंदर स्क्रीन. गिव मी अ फेक रिएक्शन. क्या गिव मी अ फेक रिएक्शन. ओ वाओ यार क्या क्वालिटी है. बोलना क्या यार, कोई रिएक्शन ही नहीं दिया यार. अच्छे तो पापा ही थे यार. पापा पापा लव यू पापा. अभी तुम्हें रिएक्शन इतना घटिया दिया पर जब तू ये क्लिपिंग देखेगी ना तेरे को लगेगा वाओ. बाय द वे आज निक्की कपूर का लास्ट चेकअप हो चुका है जो आप इसके ब्लॉग में जाकर देख सकते हो. मैं पूरी की पूरी रिकवर्ड हूं और मैं एकदम क्लियर हो गई हूं. इतना बढ़िया लग रहा है ऐसे दो दो मस्त मस्त बैग उठा के. सब लोग हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे हम पता नहीं क्या कर रहे हैं. देखने दो, कैमरा नहीं है ये आँख है. आँख से भी ज्यादा क्लियर आँखें. उनकी वीडियो बना के ना मैं भी हूँ. ये लो आप भी हो. कितने अंडे होते हैं इसमें, उसमें बड़े वाले में 30 होते हैं. 10 वाली दो ले लेना. मैंने ब्राउन एग्स कभी खाए भी नहीं, आज खाते ही हैं. ब्राउन एग्स में तो सेम होते हैं ना मैक्रोस. मैक्रोस तो सेम ही है पर बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स फैसिनेट होते हैं ना. आज कैमरे से पहली वीडियो बन रही है ना तो fancy. थोड़ा इंस्टा रेडी यूट्यूब रेडी वीडियो बनाएंगे. थोड़ा फैंसी स्टफ कर रहे हैं हम. तो तीन गुना ज्यादा प्राइस है भाई. 180 की ट्रे है 30 अंडों की. ऑर्गेनिक है सुन लो, सारे ले लेना अपने लिए. दिखाए वॉलेट दिखा दे. सारा खाली हो चुका है. खाली किडनी भी बेच दी. किडनी के साथ साथ सारे ऑर्गन बिक चुके हैं. सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहनत करती है लड़की तो ठीक है. बता रही आंटी तो सब्सक्राइब कर लेना. पीहू अग्रवाल. पीहू अग्रवाल ठीक है. वेरी गुड. टॉप एड्रेस फोकस. ये शॉप का एड्रेस है GH9 में. किसी को भी ऑर्गेनिक अंडे लेने हो चलो आ जाओ. आंटी के पास लोग आएंगे. मेरा एक्चुअली कंफ्यूज हो रहा है कि मैं आंटी को आंटी बोलूं या मैम बोलूं या दीदी बोलूं. सब छोड़ यार, सब ब्लर हो गए पीछे से. वही बड़ा बढ़िया लग रहा है. ये हमारा डॉगू है. ले डर गया. ये तो पहले खेलने के मूड में आ गया.
हाँ जी, कितने जा रहे हो तुसी? मैं सोच रहा हूं यहां पे लाइटिंग थोड़ी अच्छी आ रही है, क्योंकि मतलब लाइटिंग अच्छी नहीं पर कैमरा अच्छा है, तो पर मैं अच्छा लग रहा हूं यहां पे। यहां पे तुझे कैसे पता कि तू अच्छा लग रहा है? क्योंकि मुझे कैमरा की आंखों को पढ़ना आ गया है। तो मैं ये कह रहा था कि आई स्पेसिफिकली वांट टू थैंक ऑल माय यूट्यूब फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली, माय क्लाइंट्स, मेनली टीम ETF, जिसकी वजह से ये सारा कुछ मुझे विटनेस करने को मिल रहा है मेरी लाइफ में, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। आई वॉन्ट टू प्रेजेंट माई ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यू, आई लव यू ऑल। और कुछ बड़ा सुंदर लग रहा है यार, बहुत प्यार करता हूँ तुम लोगों से। ये कैमरा की क्वालिटी है कि नाइफ बिना भी सुंदर लग रहा है, मतलब गंदी गंदी सीढ़ियाँ दिख रही हैं यार। अब देख यहाँ पे अंधेरा है पूरा। You can barely see anything. And you can see me. Hello, the Parantha uncle. हाय हाय, कैसे हो आप? तो तैयार होके खड़े हुए हो बिल्कुल। हम तो तैयार रहते हैं हमेशा ही। क्या बात है, कैमरे की कांग्रेस। थैंक यू अंकल, आ गया भाई, आ गया कैमरा, आ गया। क्या बात है, कांग्रेस अंकल। आज मैं महंगे कैमरे की खुशी में महंगे अंडे लाए हो अपने लिए। ब्राउन एग्स लाइफ में पहली बार ही खाऊंगा। तो पहले काजू बर्फी खा इसकी। अंकल काजू बर्फी खिला रहे यार। अरे मुंह मीठा कर रहा है यार, यार करके सारा दिन कैलकुलेट करता रहता है कैलोरी मीटर। खा इसको, पहले आप खाओ अंकल। तुम खाओ पहले। नहीं पहले आप खाओ। मैं तो खा रहा हूँ। अरे ये गलत हो गया, ये एक्सचेंज करो अंकल, एक्सचेंज करो। एक मिनट, हाँ ये ले, ये पकड़ो आप, ये पकड़ो, ठीक है अब खाओ, ये लो। हाँ बहुत सारा खा लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। अपने चैनल का नाम बताइए सर। सर अपने चैनल का नाम बताइए। शिवम कपूर। बड़ा भी सोचा नहीं है, अभी चैनल बना ही नहीं है। एसके वेला। अरे अंकल ने बढ़िया नाम बताया अंकल, क्या एसके वेला? एसके वेला। ये बंदी ना टाइम मशीन से गिर गई पास्ट में, बनी फ्यूचर के लिए आई है। गाड़ी ऑटोमेटिक चलाती है मैडम, कैमरा ऑटोमेटिक यूज करती है मैडम, ऑटो फोकस वाला। नॉर्मल कैमरा यूज ही नहीं करना आता इसको। उसने एक्सक्यूज किया है कैमरा ही घटिया होते हैं, DSLR घटिया होते हैं, मिररलेस कैमरा के लिए बनी है मैडम। तो द थिंग इज, ये व्लॉग मैं ज्यादा एग्जैजरेट नहीं करूंगा, क्योंकि ये व्लॉग मैंने अपने लिए भी बनाया है और आप लोगों के लिए भी, कि हम आज से 10 साल बाद भी देखे ना तो भाई मजा आया देख के, कि यार ये कुछ लिया था बंदे ने भाई अपनी कमाई से, जिसको देखते ही और यूज करते ही मेरे को फील आ गया बहुत मजेदार। कैमरा के बारे में बताओगे? कैमरा के बारे में 100 वीडियोस यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं। आई एम नॉट अ टेक्निकल गुरुजी। जो दो चीजें मुझे बहुत बढ़िया लगी, जिसकी वजह से मैंने 6600 नहीं लिया और ये कैमरा लिया, वो था कि एक तो इसका लो लाइट, जो फुल फ्रेम है, क्रॉप नहीं होता। 4K जब वीडियो बनाओ तो 6600 में वो क्रॉप हो जाती है, जूम हो जाती है अपने आप अगर मैं 4K पे कर देता हूँ। इसमें जूम नहीं होगी और इसमें जितना मैं वाइड करना चाहूँ, जितना मैं दूर दूर जा पाऊँ, बार देखेगी। तो ये मेजर रीजन है। A7 III क्यों नहीं लिया मैंने? So, ये देख रहे हो आप, इसकी फ्लिप स्क्रीन है, घुमाइयो घुमाइयो स्क्रीन घुमाइयो। तो ये जो फ्लिप स्क्रीन है ना इसकी, इसके लिए ली है। A7 III में क्या होता है, A7 III में जो इसकी स्क्रीन है ना वो वहीं पर अटकी रहती है, वो फ्लिप नहीं हो पाती। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने A7 III लिया। बाकी जाके आप यूट्यूब पर 100 वीडियोस देख लो। बहुत फाड़ू रिसर्च करी थी, जो रिसर्च मैंने करी थी वो स्क्रीनशॉट जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, जो नव्या ने करी थी। डाउट्स भी डाल सकते हो नीचे, नव्या आपको हेल्प कर देगी। नव्या को बहुत सेक्सी नॉलेज है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की, तो वो आपको रिप्लाई कर देगी अगर उसके पास टाइम हुआ तो। पढ़ाई करती है बंदी वो। दिस वॉज द व्लॉग फॉर द डे। आई वांट टू सी यू। यूट्यूब की गेम बहुत ही ज्यादा अप हो जाएगी भाई साहब, बहुत ज्यादा फन आने वाला है। बाय गाइस।